हेलो दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनमोल की दुनिया में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे खरबूजे की खेती की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस समय सऊदी अरब में हूं। मैंने एक दिन खरबूजा खरीद के लेके आया था और मैंने मजाक में ही उसका बीज ऐसे ही डाल दिया था कि मुझे नहीं पता था कि वो होगा कि नहीं होगा, पर इस समय वो फल देने लगा है। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में है। हम बात करेंगे वो खरबूजे का फल कैसा है, ग्रोथ किया है और क्या है उसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये है खरबूजे की दो ही बेल है। दोस्तों देखो कितना फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इस पौधे की। और चलिए देखते हैं इसमें कितने फल लगे हैं। फल नंबर वन देखिए आप, इसे ऑलमोस्ट ये पक के रेडी हो चुका है। हम इसे दो तीन दिन बाद कट करेंगे खाने के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ग्रोथ किया हुआ है पौधा। चलिए और भी हम देखते हैं इसमें फल और भी कितने लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जा रहे हैं हम दूसरे फल की तरफ। ये देखिए दूसरा फल भी काफ़ी अच्छी तरह का ग्रोथ हुआ हुआ है और मैंने इसे घास से इसलिए ढक दिया है ताकि पक्षियों से इसकी रक्षा करने के लिए। और ये देखिए तीसरा फल, काफ़ी अच्छे ग्रोथ है फल, काफ़ी लगभग 2.5-3 kg के आसपास का है फल। और देखिए ग्रोथ कर देते हैं, ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए इसका चौथा फल, इस तरीके से काफ़ी फल दे रहा है। इससे पहले भी हमने इसके 3 फल काट चुके हैं, खा चुके हैं, काफ़ी अच्छा स्वीट और मीठा है। और चलिए दोस्तों, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। मैंने थोड़े से अपना करेले के भी पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये करेले के बेल्स हैं जो कि ग्रोथ करके खजूर के पौधे पेड़ पे जा रहे हैं, जो कि इस जाके फिर फल देंगे। चलिए मैं दोस्तों आपको और भी दूसरे खरबूजे के पौधे दिखाता हूँ जो कि मैंने बाद में लगाए हैं इसी के फल से। और ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। ये इसलिए लगाया है ताकि जब वो ख़त्म हो जाएगा सीजन, तब ये बड़े होके फल देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ जो देसी भाषा में अपने कोहरा बोलते हैं और इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। देखिए इसलिए भी ग्रोथ हो रहा है इसका। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।